पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। बरेली शाहगंज चौराहा स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पर आज कोविड 19 और निर्वाचक आयोग के नियमों का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ब्रज क्षेत्र की महामंत्री अलका सिंह और प्रगतिशील समाजवादी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक शकलैनी ने करी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जनपद बरेली प्रभारी जितेंद्र कश्यप उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष मिर्जा अशफाक शकलैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है जिसमें से थोड़ा बहुत पानी कम होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी की निधियों और मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से प्रेरित होकर आज बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं। अन्य दलों के नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भी हमारे पास हर विधानसभा से 8 से 10 आवेदन आए हुए हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत पहले से ही कर दी थी। वर्चुअल चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी की ओर से बीते दिनों लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर दिया गया था और हम बरेली जिले में हर विधानसभा में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पे, जैसा कि सभी लोग यहाँ पे जानते हैं और आप लोग पत्रकार हैं, सब लोग मेरे बैकग्राउंड से भी काफी दिनों से जान रहे हैं, जिस तरीके से मेरा मीडिया कवरेज होता रहा है पेपरों में, तो आप लोग जानते हैं कि समाज सेवा में ही मैं उतरी थी। समाज सेवा ही मेरा मूल मंत्र था और समाज सेवा को ही लेते हुए मैंने कार्य में क्षेत्र में जो है कार्य किया। तो लगभग 4.5 सालों से मैं जो है यहाँ पर कार्य कर रही हूँ समाज सेवा। और मैं जब बीजेपी में, मैं विचारधारा से उनकी पहले प्रभावित हुई। मुझे लगता था कि वो जो है नारियों के प्रति जो है जागरूक है, और जिस हिसाब से मैं सोशल मीडिया पे देखती थी कि किस तरीके से बीजेपी नारियों के सम्मान में काफ़ी कुछ कहती थी, मगर जब मैंने खुद ज्वाइन किया और मैं अंदर गई तो मुझे लगा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। एक्चुअली में जो लोग कर्मठ हैं, जो लोग वाकई में कार्य कर रहे हैं, मेहनती हैं, जो उनके जो मूलभूत जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और तो इसी मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मेरी जगह नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आई उनकी तो पॉलिसी। तो मैं जब प्रियंका दीदी का ये नारा आया लड़कियां लड़ सकती हैं, तो मुझे लगा ये प्रियंका दीदी ही एक वास्तविक महिला है जो महिलाओं के हित में इस समय सोच रही हैं, तो मैं उनसे ही प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।